लेसन नंबर 3 पीपल हु हेल्प अस ईवीएस। लेट्स बिगिन। हाय आई एम मीरा। माय डैड हैज क्लिक्ड सम पिक्चर्स एट द कंस्ट्रक्शन साइट ऑफ आवर न्यू हाउस। लेट मी शो यू द पिक्चर्स। मॉम लुक, दोज पीपल इन द शॉप आर मेकिंग अ सोफा। दे आर वर्किंग सो फास्ट। टूल्स used in different occupations. I have the scissors and tape in my hands. Which professional do I look like? मेरे हाथ में scissors है, मतलब कैंची, या मराठी में कात्री बोलते हैं उसे, और टेप है जो चिपकाते हैं। तो मैं कौन से प्रोफेशनल की तरह दिख रही हूँ? All the people who help us belong to different professions. They learn important skills that help them to do their jobs. For doing their work effectively, they need different kinds of tools. सारे लोग जो हमें मदद करते हैं वो belong करते हैं किसी ना किसी profession से। अलग अलग profession के लोग हमें मदद करते रहते हैं और उनके पास कोई एक ऐसी important skill होती है जिसे हम उनका जॉब बोल सकते हैं, जिससे वो काम करते हैं। और वो काम बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए उनको बहुत अलग अलग प्रकार के टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। अ कारपेंटर यूजेस टूल्स सच एज अ सॉ, हैमर एंड नेल्स। ही यूजेस दीज टूल्स टू कट एंड जॉइन पीसेस ऑफ वुड टू मेक आइटम्स लाइक चेयर्स, टेबल्स, कबर्ड्स। जो कारपेंटर होता है, सुतार, जो लकड़ी का काम करने वाला, उसे कारपेंटर कहते हैं। वो अलग अलग प्रकार के टूल्स यूज करता है, जैसे कि जो सॉ है, ये सॉ मराठी में उसे करवत बोलते हैं, हैमर हथौड़ा, नेल्स कील बोलते हैं, या खिड़ा। और वो ऐसे जो पीसेस हैं वो यूज करके लकड़ी को काटना, जोड़ना, चेयर्स बनाना, टेबल्स बनाना, या कबर्ड बनाने का काम करता है। An electrician uses pliers, cables, cutters, screwdrivers, testers, duct tape, plugs and switches to fix electrical wires. जो electrician होता है, जो बिजली की उपकरणों का काम करता है, वो pliers use करता है, cables use करता है, cutters, screwdrivers जो पेचकस होता है वो, टेस्टर भी यूज करता है, duct tape लगता है उसके लिए, plugs लगते हैं, switches लगते हैं, जिससे वो बिजली की तारों को छू सके बिना कोई करंट लगे या बिना कोई तकलीफ से अच्छी तरीके से वो काम कर पाए। इसके लिए वो इतने सारे टूल्स का इस्तेमाल करके अपना काम करता है। अ पॉटर यूजेस क्ले ऑन अ पॉटर्स व्हील टू मेक पॉट्स, वेजेस एंड अदर टाइप्स ऑफ आर्टवर्क। जो पॉटर होता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, जिसे कुम्हार बोलते हैं या मराठी में कुम्भार, वो क्या क्या यूज करता है? पॉटर्स व्हील, ये जो व्हील है वो ये चक्का इस्तेमाल करता है, जिससे वो पॉट्स बनाता है, वेजेस बनाता है, और अलग अलग प्रकार के आर्ट वर्क्स भी वो बनाता है। अ प्लम्बर यूजेस वाटर पंप, प्लायर्स, पाइप, रेंचेस, स्पैनर्स एंड टेफ्लॉन टेप टू फिट वाटर पाइप्स एंड फिक्स टैप्स, सिंक्स, टॉयलेट्स एंड शॉवर्स। जो प्लम्बर होता है वो क्या यूज करता है, कौन से टूल्स यूज करता है? वाटर पंप, प्लायर्स, पाइप रेंचेस, स्पैनर्स, टेफ्लॉन टेप, और ये सब किस लिए इस्तेमाल करता है? उसका जो जॉब है प्लम्बिंग का, वो अच्छी तरीके से करने के लिए। तो उससे क्या क्या फिक्स करता है? वो टैप, सिंक्स, टॉयलेट्स एंड शॉवर्स वो फिक्स करता है। टेलर, अ टेलर यूजेस अ सुइंग मशीन, सीजर्स, नीडल्स एंड थ्रेड टू स्टिच क्लोथ्स। जो टेलर होता है, दर्जी या शिम्पी, वो क्या करता है, कौन से टूल्स यूज करता है? सीजर्स, मशीन, सुइंग मशीन जो है ये, नीडल्स, सुई का इस्तेमाल करता है, और थ्रेड जो वो दोरा होता है उसे इस्तेमाल करके बनाता है कपड़े, सीता है।
A cobbler uses a needle, thread, leather, hammer, nails and glue to mend shoes. कॉबलर जो है मोची वो क्या करता है, नीडल का इस्तेमाल करता है, थ्रेड का इस्तेमाल करता है और लेदर का करता है, हैमर जो हथौड़ा, फिर कील और ग्लू, जिससे वो अपना काम आसानी से कर पाता है, अच्छी तरीके से कर पाता है शू मेंडिंग का. एन आर्किटेक्ट यूजेस अ ड्राफ्टिंग बोर्ड, रूलर, कंपास, पेंसिल एंड ट्रेसिंग पेपर टू प्लान एंड डिजाइन बिल्डिंग एंड हाउसेस. एक आर्किटेक्ट जो होता है, जो बिल्डिंग डिजाइन करता है, वो क्या क्या यूज करता है टूल्स की तौर पे, ड्राफ्टिंग बोर्ड का इस्तेमाल करता है, रूलर का, कंपास, पेंसिल, ट्रेसिंग पेपर का, ये सब कुछ करके वो अपना जॉब, अपना काम ठीक से कर पाता है, बहुत इफिशियंटली कर पाता है. इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस. मॉम, देर इज नो व्हीट फ्लोर इन द कंटेनर. I have asked your father to buy wheat flour from a grocer. There are different places in our neighborhood with a specific purpose. Different people work there to help us. We depend on them to help us because we do not have skills to do all the jobs ourselves. हमारे आस पड़ोस में अलग अलग प्रकार की places होती हैं जिन्हें specific purpose के लिए use किया जाता है. वहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग काम करते हैं जो हमें मदद करते हैं और हम उन पे निर्भर है हमेशा, क्योंकि वो जो काम करते हैं उनके पास जो स्किल्स है वो हमारे पास नहीं होती है, जिसकी वजह से हम हर प्रकार का काम नहीं कर सकते. ग्रोसर एंड फार्मर. अ ग्रोसर सेल्स आइटम लाइक सीरियल्स, पल्सेस, फ्लोर एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स टू द पीपल, while a green grocer sells vegetables and fruits. On the other hand, a farmer grows crops like wheat, maize, rice, pulses and vegetables in field or farmland. जो ग्रोसर होता है बनिया या किराना वाला, और ये फार्मर जो किसान है. ग्रोसर क्या करता है, सीरियल्स, पल्सेस, फ्लोर यानी आटा, दाल चावल, ये सब बेचता है जो घर की लगने वाली चीजें हैं. और ग्रीन ग्रोसर मतलब सब्जी बेचने वाला, वो क्या करता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेचता है. और जो फार्मर होता है वो क्या करता है, खेती करता है और जो फसल होती है, जो व्हीट की, राइस की, पल्सेस की, वो उगाना, उसे हार्वेस्ट करना, उसका देखभाल करके उसका काम वो करता है अपने खेत में. फायर फाइटर. फायर फाइटर्स हेल्प टू पुट आउट अ फायर. दे कम इन अ फायर इंजिन वेयरिंग स्पेशल सूट्स, मास्क एंड हेलमेट्स. दे स्प्रे वाटर ऑन द फायर फ्रॉम अ वाटर होज एंड ट्राई टू स्टॉप द फायर विद अ फायर एक्सटिंग्यूशर. दे क्लाइंब अवर बिल्डिंग विथ लैडर्स एंड रोप्स एंड सेव अस. जो फायर फाइटर्स होते हैं, अग्निशमन दल के लोग होते हैं, वो आग बुझाने का काम करते हैं. वो फायर इंजन में आते हैं, उन्होंने अलग प्रकार के कपड़े पहने होते हैं, मास्क लगाया होता है और हेलमेट पहना होता है, और वो वाटर होज से आग को बुझाने की कोशिश करते हैं पानी से, और फायर एक्सटिंग्यूशर से भी आग को बुझाने की कोशिश करते हैं. और वो बिल्डिंग्स पे चढ़ते हैं और लैडर और रोप्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी सीढ़ी और जो रोप होती है उसका इस्तेमाल करके लोगों को बचाते हैं. डिलीवरी मैन. अ डिलीवरी मैन्स जॉब इज टू ट्रांसपोर्ट आइटम्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अ डिलीवरी मैन इंश्योर्स द प्रोडक्ट्स अराइव एट देयर डेस्टिनेशन एट एन अरेंज्ड टाइम एंड इन गुड कंडीशन. अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर दिस पोजिशन में इंक्लूड पैकेजिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग आइटम्स. जो डिलीवरी मैन होता है उसका काम होता है एक जगह से दूसरी जगह पे चीजों को पहुंचाना. तो डिलीवरी मैन ये इंश्योर करते हैं, ये गारंटी देते हैं कि जो भी सामान आ रहा है वो निर्धारित टाइम में ही आए, जो तय किया गया है टाइम ऑर्डर के वक्त उसी में आए, और जो आए सामान वो अच्छी कंडीशन में मिले, डिलीवर अच्छी कंडीशन में हो, गुड कंडीशन में, और उसी के साथ ही उसे और सारी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, जैसे पैकिंग करना,
लोडिंग करना और अनलोडिंग करना आइटम्स की। डेंटिस्ट, अ डेंटिस्ट हेल्प्स टू टेक केयर ऑफ अवर टीथ एंड ट्रीट्स डेंटल एंड ओरल डिसीजेस। ही ऑल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। दांतों का डॉक्टर दांतों की केयर करने के लिए हमारी मदद करते हैं, दांतों को और दांतों से होने वाले जो भी डिसीजेस है या मुंह के भी कोई डिसीजेस है उनसे प्रिवेंट उनको प्रिवेंट करने की वो सलाह भी देते हैं और मदद भी करते हैं। स्पोर्ट्स कोच, अ स्पोर्ट्स कोच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स इन डेवलपिंग देयर फुल पोटेंशियल। दे एनालाइज देयर परफॉर्मेंसेस, इंस्ट्रक्ट देम इन रिलेवेंट स्किल्स एंड प्रोवाइड इनकरेजमेंट। जो स्पोर्ट्स कोच होते हैं वो मदद करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन को, एक खिलाड़ी को ट्रेन करने के लिए। वो पहले उनके टैलेंट को ढूंढते हैं, उनके टैलेंट से उनको इनकरेज करते हैं, उनकी स्किल को बढ़ाने के लिए काम करते हैं और उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं उनकी जो स्किल्स है उनके आधार पे। डिफिकल्टीज फेस्ड बाय कम्युनिटी हेल्पर्स, व्हाई इज दिस मैन शाउटिंग एट द ट्रैफिक पुलिस, इजंट ही सपोज्ड टू बी पोलाइट विद देम, ही हैज बीन फाइंड फॉर ब्रेकिंग द ट्रैफिक रूल्स। इज इट वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ट्रीट ऑल द कम्युनिटी हेल्पर्स विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारी कम्युनिटी हेल्पर्स से हमेशा अच्छे से रिस्पेक्ट से रहना चाहिए, हमेशा उनको अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहिए और उनके डिग्निटी का भी ख्याल रखना चाहिए। महात्मा गांधी टोल्ड पीपल टू रिस्पेक्ट ऑल जॉब्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ अ स्वीपर एंड अ गार्बेज कलेक्टर। महात्मा गांधी ने बोला है कि सारे प्रकार के जो जॉब्स होते हैं, कोई भी प्रकार का जॉब है वो खराब नहीं होता, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक झाड़ू लगाने वाला इंसान हो या कचरा कलेक्ट करने वाला इंसान हो, उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पीपल ऑफन ट्रीट देम एज अ अनटचेबल्स। गांधी जी डिड नॉट सपोर्ट दिस व्यू। ही बिलीव्ड दैट एनी वर्क दैट डज नॉट हार्म अदर्स शुड बी गिवन द सेम रिस्पेक्ट एज अदर जॉब्स। Moreover, all the community helpers should be paid enough to fulfill the needs of their families. This is known as a dignity of a labor. तो लोग हमेशा ऐसे कुछ काम करने वाले जैसे झाड़ू लगाने वाला या कचरा उठाने वाला, इनको untouchables की तरह behave करते हैं, उनके साथ ऐसा treatment देते हैं, उनसे छूते नहीं है उनको, या फिर उनको कोई चीज़ दे तो वापस नहीं लेते या फेंक देते हैं। कोई बर्तन भी अगर उनको दिया हो तो वो अलग से रख देंगे या फेंक देंगे। तो गांधी जी ऐसे विचारों को सपोर्ट नहीं करते थे। उनका मानना ये था कि कोई भी जॉब, कोई भी काम अगर दूसरों को तकलीफ नहीं देता हो, दूसरों को उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, तो उसे उतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितनी दूसरे जॉब्स को, काम को मिलती है। तो ये जो कम्युनिटी हेल्पर्स है उनको हमेशा उनकी जो फैमिलीज है उनकी नीड्स फुलफिल करने के लिए अच्छा सा उनका पगार मिलना चाहिए, या सैलरी बोल सकते हैं या वेजेस बोल सकते हैं, उनको हमेशा मिलनी चाहिए। और ये ही उनको, इसे ही हम डिग्निटी ऑफ लेबर कहेंगे। तो डिग्निटी ऑफ लेबर में क्या आता है, Nobody should be looked down for their profession. उनको नीचा नहीं दिखाए, उनका कुछ भी प्रोफेशन हो उसको नीचा नहीं दिखाए। All professionals should be paid enough to meet their daily needs. तो उनको इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए जिससे उनकी रोज की जरूरतें पूरी हों। All professionals should be respected. तो सारे जो भी professionals हैं, community helpers हैं, उनको हमेशा respect मिलनी चाहिए। वी मस्ट पे ग्रेटिट्यूड टू ऑल द प्रोफेशनल्स हु हेल्प अस। हमें उनका हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए जो हमें हेल्प करते हैं, जो कम्युनिटी हेल्पर्स है।
तो इसी के साथ ही पीपल हु हेल्प अस ये चैप्टर खत्म होता है। इसका रिवीजन बार बार करते रहिए, ये वीडियो बार बार देखते रहिए। तो जो भी पॉइंट्स है, जैसे कि टूल्स का पॉइंट हो गया, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी है जो याद रखनी है, जैसे डिग्निटी ऑफ लेबर्स के 3 पॉइंट, तो ऐसे आपको रिवाइज करने में मदद होगी। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, सब्सक्राइब कर लेना, और मेरा और एक चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।